तो दोस्तों, हम लोग सी भाषा में 5 की टेबल का प्रोग्राम कैसे बनता है वो देखते हैं। आज हम शुरू करते हैं सी भाषा। दोस्तों, पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम सी लैंग्वेज खोलते हैं। यहाँ से सी लैंग्वेज खुल रही है। दोस्तों, जब सी लैंग्वेज खुल जाएगी तो आपके सामने बिल्कुल एक नई फाइल खुल कर आएगी। इस फाइल को आप लोग पहले सेव कर लीजिए। फाइल को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं F2। जब फाइल को हम सेव करेंगे तो ये पूछेगा कि फाइल का नाम क्या है, यानी कि नाम क्या देना है। आप यहाँ पर दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। आपने फाइल का प्राइमरी नाम तो दोस्तों अपने अनुसार देना है। आपने मान लीजिए देना है A2, लेकिन दोस्तों सेकेंडरी नाम हमेशा .c ही होगा। अगर .c नहीं देंगे तो ये फाइल आपकी सी भाषा में रन नहीं हो पाएगी। तो हम .c देते हैं। देने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर हेडर फाइल लिखना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्रोग्राम में दो हेडर फाइल आती हैं, वो हेडर फाइल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने लिखा #include_std.h। ये हेडर फाइल हम दोस्तों क्यों लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम ये 5 की टेबल का प्रोग्राम बनाना आज सीखते हैं कि कैसे बनता है। हेडर फाइल लिखने के बाद हम लोग सी और सी प्लस भाषा में जितने भी प्रोग्राम बनते हैं उन सब में दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा वर्ड मेन से की जाती है। तो हम वर्ड मेन लिख लेते हैं। वर्ड मेन के ब्रेसेस शुरू किया, मीन्स बॉडी यहाँ शुरू करिए। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं। हमने मान लीजिए वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल का नाम कुछ भी सकता है। हमने लिया ए बराबर 5। ए हमने वेरिएबल जो लिया है वो इंटीजर टाइप का है, क्योंकि इसमें नंबर आएंगे तो इसलिए हमें ए वेरिएबल को इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा। इसके बाद CLRSCR से स्क्रीन साफ कर दीजिए। ये CLRSCR क्यों लगाते हैं इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद दोस्तों वाइल लूप लगाइए। वाइल लूप क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम फिलहाल लूप को यहीं पर छोड़ देते हैं कि लूप क्या होते हैं। लूप के अंदर ए को चलाइए, कहाँ तक? 50 तक। ए इज़ लेस देन इक्वल टू 50। उसके बाद लूप की बॉडी शुरू करिए और यहाँ पर प्रिंट एफ से ए को प्रिंट कर दीजिए %d से। दोस्तों %d से इसलिए हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, इसलिए हम %d से इसको शो करेंगे, क्योंकि ये इंटी टाइप का वेरिएबल है ए, इसलिए हम यहाँ पर %d का इस्तेमाल करेंगे। अब ए बराबर ए प्लस 5 कर दीजिए, यानी कि ए को हमें आगे 5 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम 5 का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये लूप यहाँ पर बंद कर दिया है। लास्ट में गेट सेज लगा दीजिए। गेट सेज को लगाते हैं, इसके बारे में हम आप बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद वर्ड मेन का जो ब्रेसिस है इस ब्रेसिस को यहाँ पर बंद कर दीजिए। फाइल को दोबारा से सेव कर दीजिए F2 से। फाइल को सेव करेंगे तो यस कर दीजिए। उसके बाद फाइल को कंपाइल करिए Ctrl+F9 से। जब हम Ctrl+F9 से फाइल को कंपाइल करेंगे उसके बाद इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा 5 की टेबल का प्रोग्राम सामने आ चुका है। 5, 10, 15, 20, यानी कि हर नंबर में 5 का डिफरेंस आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर a बराबर a प्लस 5 लिया था, इसलिए 5 का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों, ये प्रोग्राम है सिंपल, बहुत आसान तरीका 5 की टेबल का बनाने का प्रोग्राम। ये बनाया हमने वाइल लूप से। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में इसी प्रोग्राम को हम बनाएंगे डू वाइल लूप से। उसके बाद अगली वीडियो बनाएंगे फॉर लूप से, यानी कि तीनों लूप से मैं आप इस प्रोग्राम को बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आप प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ सकें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।